लौकी का भरवा पराठा टेस्टी हुआ है, आसान तरीका से बन गया है। लौकी को हमने ग्रेट किया है और फ्राई किया, जिससे फीलिंग अच्छा हुआ है। लौकी में हमने 2 चम्मच सत्तू ऐड किए हैं, जिसे स्टफिंग और भी अच्छा हो गया है। हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी लौकी कद्दूकस किया हुआ। लौकी की छिलके उतार कर धोकर कद्दूकस किए हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच चना का सत्तू, सरसों का तेल 2 चम्मच जो गर्म हो चुका है, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 प्याज फ्राई हो गया है। मसाला ऐड करेंगे। दो चम्मच सत्तू ऐड करेंगे। सत्तू नहीं है तो बेसन भी डाल सकते हैं। दो मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं। कद्दूकस किया हुआ लौकी ऐड डालेंगे। को इन सामग्रियों के साथ फ्राई करेंगे। लौकी को मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। लौकी को अच्छा से फ्राई करेंगे, जिससे उसके सारे पानी सूख जाए। दिन ऐसा बनना चाहिए जो अच्छा से फिलिंग हो जाए पराठे में। फिलिंग के लिए स्टफिंग रेडी हो गया है। लौकी अच्छा से फ्राई हो गया है। फिलिंग रेडी हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे। 1 कप गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल,
थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। गेहूं के आटा को हमने गूंद लिया है, डो रेडी हो गया है। लोई को पेड़ा बना लिए हैं, कटोरी जैसा बनाएंगे और उसमें स्टफिंग भरेंगे। अब फिलिंग करेंगे, कवर कर देंगे। फिलिंग कर लिए हैं, ओके, बेलेंगे। लौकी पराठा बेल लिए हैं, तवा गरम हो गया है। पराठे को पलटेंगे, पराठे में घी ऐड करेंगे। पलटेंगे, पलटेंगे। उलट पलट के पका लेंगे। लौकी के पराठा रेडी हो गए हैं।